हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक बार फिर आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में एक ही जगह पर वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स पीपल एनिमल्स बर्ड्स एंड थिंग्स एक ही जगह पर इतने चीजों का संग्रह लेकर पुनः आपके सामने एकत्रित हुए हैं। आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम एक एक चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रों, एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं इनकी आप लिस्ट जरूर बना लें, इनको इनकी आप नोट्स जरूर बना लें। आइए चलिए हम देखते हैं। पहला है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स का होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स होती है पद्यावली। एंथोलॉजी मीन्स पद्यावली। अगला है अ ग्रुप ऑफ हैवी गन्स। अगला है अ ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, इसका मतलब होता है कि भारी बंदूकों का समूह जो कहता बैटरी, मींस होता है हमारा तोपखाना। क्या होता है? तोपखाना। अगला है लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर लेडीज, कहता है महिलाओं या लड़कियों का समूह। महिलाओं या लड़कियों के हम समूह को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। बेबी मींस होता है टोली या झुंड। अगला है अ फैमिली ऑफ यंग वंस। अ फैमिली मीन समूह ऑफ यंग वंस, होता है छोटे बच्चों का समूह या छोटे लोगों के समूह को बोलते हैं हम ब्रूड। ब्रूड मीन्स होता है क्या? खानदान। ब्रूड मीन्स क्या होता है? खानदान। ब्रूड मीन्स खानदान। अगला अ पेयर ऑफ पिजन्स। अ पेयर ऑफ पिजन्स कहता है कि कबूतरों का एक जोड़ा। कबूतरों के एक जोड़े को हम बोलते हैं क्या? ब्रेस बोलते हैं। ब्रेस मीन्स क्या होता है? जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। अगला लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स मीन्स होता है किताबों की सूची, तो कहलाती है हमारी कैटालॉग। मोस्ट फेमस और प्रोमिनेंट आपका शब्द है कैटालॉग, नामावली है इसको बोलते हैं हम सूची पत्र। अगला है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको देख लीजिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारा कहलाता है क्लस्टर्स। क्लस्टर मीन्स होता है झुंड या समूह। अगला है पीपुल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कहता पीपुल ऑफ वन रेस एक ही जाति या एक ही प्रजाति के लोग जो क्या करते हैं? मूविंग सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में एक ही जगह पर जाकर रहने लगते हैं या बस जाते हैं, वो हमारी कहलाती कॉलोनी या कॉलम, जिसको हम बोलते हैं बस्ती या समूह। अगला है सीरीज ऑफ स्टार्स, कहता तारों की श्रृंखला। तारों की एक जो पूरी श्रृंखला होती है वो हमारी कहलाती है कंसल्टेशन, मीन्स होती है तारामंडल। आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आप दोनों प्रकार से समझते चलिए। अगला है मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स कहता डेलीगेटों की सभा या उनका जो समूह होता है वो हमारा कहलाता है मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, ये हमारा कहलाता है, इसको हम कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स होता है हमारा क्या होता है मित्रों? प्रतिनिधि सभा। क्या होती है? प्रतिनिधि सभा। अगला है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, भक्त गणों का समूह। वर्शिपर मीन्स भक्त जनों का समूह, तो कहलाता है कंग्रिएशन। कंग्रिएशन मीन्स होता है भक्तगण। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग भी कहीं कभी कभी पूछी जाती है। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स कहता लाखों तारों का जो समूह होता है आकाश में वो हमारा कहलाता है गैलेक्सी, आकाश गंगा। अगला देखिए ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज। ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज छोटे छोटे गांवों का जो समूह है मित्रों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हैमलेट। हैमलेट में होता उपग्राम,
या छोटे छोटे गांव। अगला है सेक्शन ऑफ हेयर। सेक्शन ऑफ हेयर में होता बालों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं लाक लट, जिसको महिलाएं क्या बोलती हैं, लट बोलती हैं। अगला ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स माने होता है व्यापारियों का समूह। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स मीन्स क्या होता है, व्यापारियों के समूह। जब कोई व्यापारी व्यापारियों का समूह हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंडिकेट। सिंडिकेट मीन्स होता है क्या, व्यवसाय संघ। क्या होता है, व्यवसाय संघ। अगला है लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल। लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की अत्यधिक भीड़। लोगों की जब अत्यधिक भीड़ होती है तो उसको भी हम बोलते हैं थ्रॉंग। थ्रॉंग मीन होता है क्या, भीड़ होता है। क्राउड माने भी होता है लोगों का अत्यंत समूह इकट्ठा होना। अगला ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट डांसर आर एक्रोबेट्स। कहता ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट कलाकार, डांसर्स नर्तकों का, एंड एक्रोबेट्स होता है नटों के समूह को हम बोलते हैं क्या, ट्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रुप। ट्रुप में समाली होती है क्या, मंडली होती है। क्या होती है, मंडली होती है। अगला है नंबर ऑफ एरोज या स्टोन्स आर एब्यूजेज। देखिएगा नंबर ऑफ चाहे एरोज आए, चाहे नंबर ऑफ हमारा स्टोन्स आए, या नंबर ऑफ हमारा एब्यूजेज आए, नंबर ऑफ हमारा एब्यूजेज आए, सब में हमारा क्या होता है, सब में हमारा होता ओली होता। ओली मीन्स बौछार होती। ओली मीन्स क्या होती है, बौछार ही होती है। अब एक एक करके आए तो सभी हमारा चाहे नंबर ऑफ एरोज मीन्स ओली, नंबर ऑफ स्टोन मीन्स ओली, या नंबर ऑफ एडुजेज मीन्स ओली, इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, ओली बोलते हैं। मित्रों ये आज आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक श्रृंखला रही, और इसी के साथ मैं एक बात भी आज आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि मेहनत हमेशा हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका जब शोर मचे, उसका जब शोर मचे तो दूर तक जाए। अर्थात उसने मुझे गुलाब दिया बड़े चुपके से, उसने मुझे गुलाब दिया बड़े चुपके से, कमबख्त खुशबू ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। हाँ मित्रों इसी के साथ अर्थात समझिएगा कि आप मेहनत इतने चुपके से कीजिए कि जब उसका परिणाम आए तो उसका परिणाम पूरे शहर में आपका तहलका मचा दे, है ना, कोहराम मचा दे। इस प्रकार हमको मेहनत करनी है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार पुनः वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।